हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे फाइंड आउट करें, चाहे वो सीनियर हो या सीनियर सेकेंडरी हो, उसका सिलेबस NIOS के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में आ जाना है और NIOS सर्च कर देना है और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके ओपन कर देना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर नीचे आकर यहाँ पे सिलेबस एंड सैंपल पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप क्या देखेंगे कि सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का सेकेंडरी कोर्स का दिया हुआ है, सिलेबस के साथ ही साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर भी और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसका भी गाइडलाइंस दिया गया है। यहाँ पे दो मीडियम में दिया गया है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो आइए हम लोग पहले सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का देख लेते हैं सिलेबस। जैसे ये ओपन होता है तो हम लोग को पता चलेगा कि इंग्लिश में किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा टाइम तक पढ़ना है, इसी तरीके से सारे क्वेरी आपके इसमें दिए गए हैं। आइए हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं इस इंग्लिश वाले सिलेबस पे और बाकी सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आप NIOS के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब तो ये हो गया आपका सेकेंडरी का, अब हम लोग बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अगेन हम लोग फिर से गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेबस ऑफ NIOS पे सर्च कर देते हैं। अब जो पहला लिंक है उस पे हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस ओपन हो चुका है और साथ ही साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल का गाइडलाइंस भी है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे सैंपल पेपर और सिलेबस और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का गाइडलाइंस दिया गया है। तो आइए हम लोग इंग्लिश वाले सिलेबस को ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा इंग्लिश वाला सिलेबस, अब आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और बाकी सिलेबस जो है आप आकर NIOS के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा चैप्टर कितने टाइम तक पढ़ना है और कितने मार्क्स का वो एग्जाम में आएगा। That's all. Thank you, everyone.